एनसीईआरटी बुक्स फॉर क्लास 7, हनीकॉम्ब सेकंड चैप्टर, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, मृदु इज ए यंग गर्ल। मृदु एक छोटी लड़की है, ग्रोइंग अप, जो बढ़ी इन मद्रास, मद्रास में जो बढ़ी, नाउ कॉल्ड चेन्नई, अब उसे चेन्नई कहते हैं, विद तापी, तापी के साथ, हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी, एंड तथा, और तथा हर ग्रैंड फादर, उसके दादाजी। वन आफ्टरनून, एक दिन दोपहर, तापी टैक्स हर टू हर आंट। एक दिन दोपहर को तापी उसे लेकर उसकी चाची के यहाँ गई, रुक्कुमणि, जिसका नाम रुक्कुमणि था, रुक्कुमणि के घर, टू मीट हर, उससे मिलने के लिए, कजन्स, चचेरी बहन, लाली, रवि एंड मीना, लाली, रवि और मीना से। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, एक चप्पल का उपहार। स्माइलिंग रुक्कुमणि थ्रू ओपन द डोर, एक हंसी के साथ रुक्कुमणि ने दरवाज़ा को खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि और मीना जल्दी से बाहर आए, एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि खींच कर मृदु को अपने घर में ले गया। वेट, इंतज़ार करो, रुको, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, मैं अपने चप्पल को उतार दूँ, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने रक्षात्मक ढंग से कहा। सी सेड देम आउट नेटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, सी सेट देम आउट, और उसने जो है बाहर रख दिया निडली सफाई से, नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, एक बड़ा जो चप्पल था उसमें जो है काला धब्बा पड़ा था उसके पास में। दोज वेयर ग्रे, एक्चुअली ये दोनों जो है भूरे हो गए थे, एक्चुअली सच में, विथ डस्ट, धूल से, यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ ए ब्रिटा, आप उसमें देख सकते थे साफ साफ हर अंगूठे के निशान को, ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ इस स्लीपर, चप्पल के सामने वाले भाग पर, द मार्क फॉर द 2 वीक्स टॉय वेर लॉन्ग एंड स्क्रैवनी, बड़े दो अंगूठों के निशान बड़े बड़े थे, एंड स्टोनी, स्टोनी का मतलब होता है अंगूठे का निशान। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वेयर, मृदु के पास इतना अधिक समय नहीं था कि वह इसके बारे में और विचार करे कि वह चप्पल किसका है, बिकॉज, क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर टू द बैक यार्ड, रवि उसको खींच कर ले गया पिछली तरफ, बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी, बस एक मोटे कड़वे बेरी झाड़ी के पीछे, देयर इनसाइड अ टोर्न फुटबॉल, वहाँ अंदर में फटा हुआ फुटबॉल, लाइंड विद सेकिंग एंड फील्ड विद सैंड, जिसमें लाइन पड़ा हुआ था और सैंड रेत से भरा हुआ था, ले वेरी स्मॉल किटन, उसमें एक छोटा सा बिजली का बच्चा था, लैपिंग कूद रहा था ऑफ मिल्क, दूध के साथ, फार्म फ्रॉम ए कोकोनट हाल्फ सेल, नारियल के आधे सेल में, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमने इसे आज अपने गेट के सामने सुबह पाया है, ही वॉज मेविंग एंड मेविंग, वह म्याओ म्याओ कर रहा था, पुअर थिंग्स, बेचारी, सैड, मीना, मीना ने कहा, बेचारा, इट इज़ ए सेक्रेट, यह बहुत गुप्त है, अम्मा सेज पत्ती विल लिव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट, अम्मा कहती है कि पत्ती जो है इसको छोड़ आएगा हमारे हमारे पद्दू मामा के यहाँ घर, इफ सी नोज वी हैव कैट, अगर उसको पता चल जाएगा कि आपके पास या हमारे पास एक बिल्ली है। पट्टी यहाँ पर दादा दादी जी कहते हैं तमिल में। पीपल आर ऑलवेज
टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल। लोग हमेशा हमसे बताते हैं कि हमें जो है जानवर के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, बट वेन वी आर, लेकिन जब हम लोग होते हैं दे स्क्रीम और चिल्लाते हैं, ओह डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर, इस गंदे जानवर को यहाँ अंदर मत ले आओ। सैड रवि रवि ने कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ हार्ड इट, यह कितना कठिन है, इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, इसके लिए थोड़ा सा दूध लाना कितना कठिन है, क्या तुम जानती हो, पत्ती सा मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पत्ती ने जब देखा मुझे मेरे हाथों में दूध से भरे ग्लास को, आई टोल्ड हर, मैंने कहा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूँ इट इसको, बट द वे इस तरह से सी लॉक्ड एट मी, मुझको देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, अधिकतर दूध मैंने गिलास का पी लिया इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, और थोड़ा सा उसमें बचा था, देन सी वॉन्टेड द टम्बलर बैग, फिर वहाँ घूमी, पत्ती पत्ती आई विल वॉश, मैं धोना चाहता हूँ इट माई सेल्फ स्वयं, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं तुम्हें जो है परेशानी नहीं देना चाहता, आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा, आई हैड टू रन एंड पोर, और मैं भाग कर गया और उड़ेल दिया द मिल्क इन टू द कोकोनट सेल, दूध को कोकोनट के सेल में, कोकोनट नारियल के कटोरी में, एंड देन रन बैक, और फिर वापिस आया भाग कर, एंड वॉश द टम्बलर, और उसके बाद टम्बलर में धोया, एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, और फिर वापिस रख दिया जल्दी से उसको संदेह होने से पहले। नाउ वी हैव टू थिंक, अब हम सोचते हैं आप सम अदर वे, दूसरा रास्ता, वे टू फीड द महेंद्रन, महेंद्रन को खिलाने का दूसरे रास्ते के बारे में हम लोग विचार करते हैं। महेंद्रन, दिस लिटिल किट्टी नेम इज महेंद्रन, इस छोटे बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु बहुत प्रभावित हुई, इट वाज अ रियल नेम, यह वास्तविक नाम है, नॉट जस्ट ए क्यूट किट्टी कैट नेम, ना कि केवल यह सुंदर बिल्ली का नाम किट्टी, एक्चुअली सच में हिज फुल नेम इज महेंद्रा वर्मा पल्लव पोनी एमपी पुनी फ्रॉम साठ, इसका पूरा नाम जो है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनी है, साठ में इसको एमपी पुनी कहते हैं, इफ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगा, ही इज फाइन ब्रेड ऑफ कैट, यहाँ जो है एक अच्छी बिल्ली का नस्ल है, ब्रीड, जस्ट लॉक एट हिज फुर, इसके जो फुर को देखो अर्थात इनके बालों को देखो, लाइक ए लायंस मैन, जैसे कि शेर का होता है, एंड यू नो, और तुम जानती हो, वार द एम्ब्लेड ऑफ द एंशियंट पल्लवज किंग, और तुम जानती हो कि प्राचीन जो पल्लव राजा था उनका जो एम्ब्लेंड था अर्थात जो उनका चिन्ह था, ही लॉक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वह आशा भरी दृष्टि से मृदु को देख रहे थे, मृदु गिगल्ड, मृदु हंसने लगी, थिंक आई एम जोकिंग, बेचारा कि मैं मजाक कर रहा था, वेल जस्ट, अच्छा वेट, इंतजार करो, आई विल शो यू समटाइम्स, मैं कभी तुम्हें दिखाऊंगा, इट इज़ ए क्लियर यू डोंट नो, या स्पष्ट हो जाएगा, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, आई थिंक्स अबाउट हिस्ट्री, एक भी वस्तु इतिहास के बारे में, हैवेंट बीन महेंद्री महाबलीपुरम हैव यू, और महाबलीपुरम के बारे में भी कुछ नहीं जानते, ही सैड, उसने कहा मिस्टर एसली रहस्यात्मक ढंग से, वेल अच्छा, वेन, जब आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारा कक्षा महाबलीपुरम गया था, आई सा, मैंने देखा था ए स्टेटस, एक मूर्ति ऑफ हिज तथाज, उनके तथाज का, तथाज 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 एटेस्ट्रा एटेक्स्ट्रा इत्यादि, फैक्ट इज महेंद्रा हेयर इज ए डिसेंडेंट फ्रॉम द वेरी सेम एंशियन कैंड, महेंद्रा भी जो है यहाँ पर डिसेंडेंट उन्हीं का है, उन्हीं का मतलब उत्तरदायी है, उत्तराधिकारी है, फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियन कैट, प्राचीन बिल्लियों का, अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग, या वैज्ञानिक रूप से कहा जाए तो बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, ऑफ नॉन अदर देन लायन, शेर का नहीं, और किसी का नहीं, शेर का है, द पल्लवा लायन, पल्लव लायंस, पल्लव का जो शेर है, एम्बेल्ड चिन्ह है ऑफ द पल्लव डेस्टिनी, पल्लव के जो
राज्य का जो चिन्ह है वह शेर है। रवि वेंट ऑन, रवि आगे बोला, वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, कड़वे बेरी की झाड़ी के चारों तरफ घूमते हुए, वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन, हिलाते हुए एक छोटे से टहनी को ऊपर और नीचे, हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। यह बिल्ली जो है उत्तराधिकारी है, वो उनके वंशज का है, नॉन अदर देन महाबलीपुरम, महाबलीपुरम के ऋषि कैट, ऋषियों के कैट बिल्ली थी, उनकी जो है संतति है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मुझे याद आ रहा है, अभी दे वर्शिप्ड कैट इन एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन समय में लोग इजिप्ट के मिस्र के बिल्लियों की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज वन वॉइस, उसे कितना अच्छा लगता है अपनी आवाज़। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, मीना और मृदु ने अपने एक्सचेंज बदलते हुए कहा, व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, वह क्या करता है किसी के साथ। मृदु ने मांग की, ओह आई एम टेलिंग, मैं तुम्हें बता रहा था, दिस कैट इज ए डिसेंडेड, यह बिल्ली जो है वो वंशज है फ्राम द इजिप्टियन कैट, मिस्र के बिल्लियों का। गार्ड नो गार्डेज, न कि देवी, बस्टेट एह हाँ दैट्स इट, बस यही, सो इसलिए, वेल अच्छा, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेज, एक जो बिल्लियों का जो देवी थी उसका जो डिसेंडेड है अर्थात वंशज है, वाज ए इस्टावे मतलब छुप जाना, इन वन ऑफ द पलवा शिप, पलवा के शिप से, एंड हिज डिसेंडेंट, और उसका वंशज वाज द महाबलीपुरम, एक जो कैट बिल्ली थी मिस्र की जो वंशज थी देवियों की, वहाँ आ रही थी, मतलब पल्लव का जहाज आ रहा था उसमें आकर छुप गई थी। एंड ही डिसेंडेड, और वह जो है वंशज जो उसका आ गया महाबलीपुरम, ऋषि कैट जो ऋषि बिल्ली थी वो डिसेंडेड वंशज है। रवि फ्लॉरिस्ट हिज ट्विंग्स एट द महेंद्रन, रवि ने अपने जो ट्विंग से टहनी से जो महेंद्रन की तरफ इशारा करते हुए, एम पी पुनी हियर हु एक ही स्क्राइक वेरी प्लेस्ड विथ हिम सेल्फ, वह उसके साथ स्क्राइक्स करते हुए खेलते हुए, महेंद्रन लॉक ऑफ अलार्म, महेंद्रन ऊपर देख रहा था सचेत होकर, ही जस्ट बीन शार्पनिंग हिज कलर, वह अपने पंजों को तेज कर रहा था, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, नारियल की जो खोपड़ी थी उसमें जो है अपने पंजों को रगड़ कर उसके किनारे पर वह तेज कर रहा था। बट रोज लेकिन बदतर देन रवि जी वाई फूल, रवि भयभीत उप एक वाच क्रेच, खरोच आगा फ्रॉम द विंडो खिड़की पर, व्हाट्स वायर साउंड, कैसी आवाज़ है। इफ मृदु वाज स्टार्टलेड, आश्चर्यचकित होकर मृदु, एम पी पोनी वाज फ्राइटेंड, और एम पी पोनी जो भयभीत हो गया, आउट ऑफ हिज बिट्स अपनी बुद्धि से, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, और उसके बाल खड़े हो गए अंत में, ही बाउंस्ड अप मौसला एंड स्क्वायर्ड टुवर्ड द बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिल्लीज, और वहाँ से वो भागा बम्बू ट्रे से, रेड चिल्ली लाल मिर्ची की तरह, दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, सूखे में जो था ड्राई सुखाने के लिए जो रखा था, टू हाइड बीनेथ पीछे छुप कर, इट टिप्ड ए फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ सारे मिर्चों को जो है इधर उधर बिखेर दिया, म्याऊ ही होल्ड माइजरेबली, उसने दुख के साथ चिल्लाते हुए, द क्रेचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट इज द नॉइज सैड मृदु, मृदु ने कहा ये कैसी आवाज़ है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलन, लाली जो है वायलन खेलना सीख रही है, बजाना सीख रही, ग्रंटेड रवि, रवि ने कहा, शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी कुछ नहीं सीखती, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्ले, म्यूजिक मास्टर संगीत का अध्यापक केवल ऐसे ही बजाता रहता है, लाइक अ ट्रेन, जैसे ट्रेन चलती हो, वेजिंग ऑन एंड ऑन, झुक झुक, वेल लेली जा ऑल द टाइम डार्लिंग, गोइंग कंप्लीटली अप ट्रैक, और लेली जो है बार बार
जो उसको पूरा करना चाहती है उस धुन को।